नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी कार्यालय पटना में मुजफ्फरपुर की युवा टीम ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का नागरिक अभिनंदन किया, स्वागत समारोह किया। संतोष कुमार सुमन जी जो बिहार में अभी कैबिनेट मंत्री हैं, अपने पिता की जगह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। युवा टीम मुजफ्फरपुर का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद जी ने किया, साथ ही साथ उनके साथ तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी अमित कुमार, साकिर अली, मोहम्मद कमालुद्दीन जी, संजय शाह, अमरेश कुमार, विकास शाह, दीपक कुमार, मेवालाल यादव, रामसूरत राय सहित कई नेता इस स्वागत समारोह में शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर संकल्प किया कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे। सब ने मंत्री को बुके और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मंत्री जी ने भी अपने युवा कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन किया। कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति भी मजबूत की जा रही है इसके माध्यम से, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव को, तो पार्टी अपनी ताकत दिखाने के लिए युवा टीम को मजबूत कर रही है। युवा टीम के माध्यम से पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि हमारा बूथ लेवल तक की कमेटी कंप्लीट है और हम अपने युवा शक्ति के बल पर किसी भी लोकसभा क्षेत्र और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। संतोष कुमार सुमन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत हुई है, पूरी पार्टी युवा दिख रही है, क्योंकि संतोष कुमार सुमन खुद युवा हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे भी युवा हैं और कई युवाओं की को पार्टी में एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक है और ये संदेश देने का एक प्रयास किया जा रहा है कि 40 लोकसभा में हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा जनाधार है। जो सीट हमारे खाते में आएगी वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीट अन्य दलों के खाते में जाएगी वहाँ हम उनको मदद करेंगे। मैंने जो भी संघर्षों में सीखा है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी की जो गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है उस आवाज़ को और बुलंद करने की कोशिश करूंगा। विभिन्न माध्यमों से जो हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, यही हमारा संकल्प है और संकल्प में सबका साथ मिले, यही मैं आप सबके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को। सर, आगे लोकसभा का चुनाव है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे पार्टी को मजबूत कीजिएगा? कितने देखिए, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सब आना जाना है, लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं और हमारी जो प्रतिबद्धता है हमारी जनता के प्रति है, अपने लोगों के प्रति है, गरीबों के प्रति है, उनकी आवाज़ कैसे बनना है, उनको कैसे सशक्त करना है, कैसे उनको जागरूक करना है, कैसे उनमें विश्वास पैदा करना है कि वो भी एक देश के और राज्य के नागरिक हैं और उनकी भी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इस राजनीतिक परिवेश में जो लोकतंत्र का स्तंभ है, चार स्तंभ में लोकतंत्र में राजनीति बहुत बड़ा स्थान रहता है, उसमें कैसे हम सुनिश्चित करें इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग विभिन्न माध्यम से, जैसे यात्रा निकल रहा है तो अभी यात्रा में हम लोग पूरे बिहार में घूमेंगे, उसके बाद हम रैली करेंगे, फिर विधानसभा इस कार्यक्रम करेंगे और उनके साथ फिर हम लोग का बैठने का उठने का कार्यक्रम होगा, सभी लोगों कार्यकर्ताओं जो पंचायत स्तर है उनकी मीटिंग करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो इस तरह से संगठन का विस्तार हम लोग एक व्यापक हम लोग का रोड मैप तैयार हो चुका है और उसमें करने की सोच रहे हैं। इसी बीच में लोकसभा का चुनाव है, निश्चित तौर पर चुनाव में हमारी पार्टी की भागीदारी होगी और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग लें और जीत के जाएं। लोकतंत्र की जो मंदिर है लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, वहाँ पर हमारी पार्टी का उपस्थिति हो, अभी उपस्थिति नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी चुनौती भी है कि हम उस जगह पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जा कर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि वही वहाँ एक जगह है जहाँ गरीबों की आवाज़ बुलंद हो। अगर हम बिहार में बुलंद कर रहे हैं तो दिल्ली में भी बुलंद होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीटों का हमने चयन भी किया है, यहाँ पर हम अभी ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं और भी कोशिश हमारी अभी 10 महीने की बात है, हम लोग और कोशिश जारी रखेंगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी तैयारी को माफी करें, मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं को संगठित करें, एक करें, यही हमारी तैयारी है। कितने